हेलो दोस्तों, आज हम सीखें आरआरबी एमपी एनटीपीसी रेलवे बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एमपीपीएससी बैंक पीओ किसी भी एग्जाम में आ सकता है आपके लिए। देखिए, एक वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन 18 3 सेंटीमीटर, 3√2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दोस्तों, आपको सवाल आता है तो इसको स्किप कीजिए और सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, एक वर्ग है आपके सामने और इसकी भुजा कितनी 3√2 सेंटीमीटर है तो चारों भुजा दे रखी है ना, तो इसको अपने विकर्ण ज्ञात करना है। दोस्तों, यहाँ बनता है एक समकोण त्रिभुज। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है 90 अंश का। जब 90 अंश का समकोण त्रिभुज बनता है तो ये हो जाता है समकोण त्रिभुज में, क्या होता है दोस्तों, कि नीचे संख्या आधार हो जाती है और ये हो जाती है लंब और ये हो जाती है कर्ण, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या सूत्र लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण अपने पास नहीं है तो मान लो कि कर्ण ऐसा से लिख दो, कर्ण का स्क्वायर, आधार अपने पास क्या है? 3√2 का स्क्वायर प्लस ये भी 3√2 का स्क्वायर। तो देखो कितना होगा, देखिए 3 का स्क्वायर करें तो 3 3 कितना होगा? 9, और इसका स्क्वायर हटेगा तो 2 रह जाएगा। प्लस इसी तरह इस 3 का स्क्वायर करें, 3 3 कितना होगा? 9 इंटू 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट हटेगा तो 2 हो जाएगा। 9 2 18 और 9 2 18 और 18 18 कितना होता है? 36 हो जाता है। और अपना कर्ण निकालना है अपनों को, तो कर्ण का स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल जुड़ जाएगा और इधर कितना आएगा? 6 36 का √6 36 का मान कितना होगा? 6 होगा। तो अपना इसका जो कर्ण है यानी विकर्ण कितना आ रहा? 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 6 सेंटीमीटर आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।